उनसे मोहब्बत कमाल की होती है। तेरे साथ से ही रातें मेरी, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। काश मुझे तुम्हारे बिना जीना आता। कोशिश करूंगी। मेरा दिल मुझसे झूठ बोलता रहा। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। I destroyed myself because of you। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां। तेरे साथ से ही रातें मेरी है सुबह। होंगे जुदा ना हम। आयशा, ये देव है आपके हस्बैंड। You must take this picture. This is how history is made. Ready? Shall we start? Let's go. Jalebi, my character's name is Aisha. मैं एक राइटर का रोल प्ले कर रही हूँ और आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर जो आजकल की लड़की है, जो आज की लड़की है इनफैक्ट, जिनको अपने करियर में भी बहुत कुछ करना होता है पर एक लव लाइफ भी चाहिए होती है, जो ये बैलेंस है जो लड़के बड़े थोड़े आसानी से निभा पाते हैं और जो लड़कियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बैलेंस में कहीं स्ट्रगल करती हुई शुरू में आपको दिखाई देगी मेरी कैरेक्टर। इट्स अ गर्ल इज वेरी पैशनेट, थोड़ी पागल है, थोड़ी ब्रैश है, जो मन में आए बोल देती है। दिल मतलब हाथ में ही है उसका, प्यार हो गया उसको दिल्ली के लड़के से, छत जाके उसके मोहल्ले में जाके प्रपोज कर दिया उसने सीधे शादी के लिए। घर पहुंची है तो पता चला कि आए दुनिया बहुत अलग है, पर प्यार कम होता है या नहीं होता है ये हमारी कहानी है। और सबकी ज़िंदगी में एक वो प्यार ज़रूर होता है, वो अनरिक्विटेड लव हमेशा सोचते हैं, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, इनफैक्ट मेरे माँ बाप के भी कोई ना कोई है, मुझे पता है सबकी लाइफ में एक ना एक होता ही है कि क्या काश अगर वो होता, वॉज ही द वन, क्या वो थी, तो वो वाला बंदा या बंदी जब आपको ट्रेन पर मिल जाता है, एक ट्रेन जर्नी में काफ़ी सालों बाद, हैप्पीली एवर आफ्टर जब आपका टूट चुका होता है उनके साथ ही, तो क्या होता है, ये हमारी पिक्चर। आपको क्या लगता है? जी सो भट्ट साहब जो है, मतलब आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही मैजिकल आदमी है और काफी पागल है, बहुत ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर, मतलब हमें शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे की शूट के बाद मैं घर आके लमलेट फोन उठाया, आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखा, वहाँ भट्ट साहब जो हैं आलिया के बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा ये वही आदमी है। मैंने कहा ये अभी हम उनके साथ शूट कर रहे हैं। मेरी हालत नहीं थी, मेरी मम्मी मुझे खाना परोसती थी किचन में और मैं एकदम से उठ के गई कि नहीं यार मुझे खुद खाना लेना चाहिए, उनके अंदर एनर्जी है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो मतलब कमाल का एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बोलूंगी मैं ऐसे। उन्होंने लाइफ के बारे में सिखाया शब्दों से नहीं, थ्रू एक्शन, आई थिंक वो ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस, वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते। मैं उनको उनकी रियल लाइफ में देखती हूँ, सिर्फ कैमरा ऑन होता है तो वो ऐसे नहीं बन जाते बुद्ध की तरह, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। आप काम के भी नहीं रहोगे तो आपसे पूरी चर्चा करेंगे, आप कहाँ से हो, ये वो, अच्छा दिल के दर्द तो सुना के जाओ, तो ही इज अ ट्रू पर्सन। चलते फिरते होटल की लॉबी में पेंटिंग को भी हाय हेलो बोल देंगे। हेलो हेलो, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, इज नॉट ईजी नहीं है, मतलब एक पूरी अग्नि परीक्षा है, उसमें अपने आप को भस्म करना जरूरी होता है, फेंक देते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनके उनका जो इमोशनल कोशेंट है, जो उनकी फीलिंग का लेवल है, वो आम आदमी से काफ़ी ऊपर है।
क्योंकि उनका ही फील्स टू मच, तो उनको लगता है कि जब तक आप वैसा फीलिंग नहीं करो तो फीलिंग नहीं है. तो मैं पूरा मतलब हार्ट ब्रेक ला के इंटेंसिव करती थी, बोलते थे कि क्या है ये, फिर आते थे कुछ कुछ करते थे कुछ अलग अलग, कुछ अजीब सी बात कर जाते थे या कहीं कुर्सी पे बैठ के ज़मीन पे गिर जाते थे कि मैं तुम्हें ज़मीन पे बैठने के लिए बोल रहा हूँ, तुम कुर्सी पे बैठ रही हो, और मुझे तो शॉर्ट में कुर्सी पे बैठना है, मैं भी सोच रही हूँ कि करना क्या है. फिर समझ आया, ओ ही मीन्स कुर्सी पे बैठते हुए ज़मीन पे बैठो. ओ तो ये सारी बातें ना कोई आपको समझाता नहीं है इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर भी. एंड आई थिंक वो खुद ही बोलते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं उनकी लाइफ में, बेटियाँ हैं, बीवी है, एंड ही अंडरस्टैंड्स वुमेन. तो मुझे शुरू से हमेशा बोलते आ रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि यू नो हाउ अमेजिंग योर पोटेंशियल इज एज अ वुमेन, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, किस हद तक तुम जा सकती हो. मुझे अब लगता है ये जर्नी जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है जलेबी की, कि अब अगर मैंने इसको लाइफ में इम्बाइब नहीं किया तो मेरे 8 महीने बर्बाद हो गए. तो जो भी सीखा है अभी इसको यूज़ करने का स्ट्रेटजी है मेरा. तो चैलेंजेस इस टाइप के थे कि भट्ट साहब क्या करते हैं ना, भट्ट साहब आपकी जितनी भी मतलब वीकनेसेस होती हैं या वल्नरेबिलिटीज होती हैं या आपकी जो दिक्कतें होती हैं, जो फ्लॉज होते हैं, उनके साथ काम करते करते वो उभर के बाहर आ जाते हैं. तो जब वो उभर के बाहर आते हैं तो दर्द होता है. तो मतलब वो पूरा जो और मैं जिस टाइप का पहले था कि मैं अपनी फीलिंग्स को पहले सप्रेस करके रखता था, तो इन दोनों ने मतलब पूरी पिक्चर में इतना कुछ हो रहा है, मतलब इमोशंस इतने भरे हुए हैं कि वो मतलब मेरे ख्याल फील करते करते मैं अभी तक उसमें से निकल नहीं पाया हूँ. तो वो फील करता रहा. तो आई थिंक टू बी टू फेस योर ओन फ्लॉज, मतलब क्योंकि हम उसको अपने दिमाग में किसी ऐसे कॉर्नर में डाल देते हैं जहाँ उसको इग्नोर कर सकें, लेकिन इनके साथ वो सारी बातें उभर के बाहर आती हैं. तो आई थिंक टू डील विद दैट इज चैलेंजिंग ऑल्सो एंड इट्स रेवलेशन ऑल्सो फॉर यू. हमें तो बहुत मजा आया वहाँ पे. मतलब ऐसा कुछ हमने मोस्टली पुरानी दिल्ली में जो बाहर मार्केट एरिया है वहाँ पे गाने शूट हुए हैं ज्यादातर, और काफी कुछ इम्प्रॉम्प्टू भी हमने मतलब शूट किया है. एक अच्छा फील है पुरानी दिल्ली. मैं पहली बार इतने अंदर अंदरूनी गलियों में गई थी एंड आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज एक अलग ही दुनिया है वहाँ पे. मतलब हर जगह पे अलग अलग लोग बसते हैं वहाँ, और सब में एक एटीट्यूड है, एक चाल में, एक उछाल, एक कुछ है. और मैं तो पहले 2-3 दिन तो देखती ही रही कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे. और उनके पागलपन में एक ऑर्डर है, मतलब सब कुछ चलता है. ऐसे लगता है कि एक सब कैसे एक रास्ते पे इतने सारे लोग, हाथ गाड़ी भी चल रही है, गाड़ियाँ भी आ रही है, मर्सिडीज भी आ रही है सबके बीच में, साइकिल भी जा रहे, बच्चा भी भागता हुआ जा रहा है अपनी पतंग के साथ. तो मुझे लगता है कि पुरानी दिल्ली इज़ अ वेरी वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया. और हमारी फिल्म में बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेवर आया है पुरानी दिल्ली से. वहाँ की गलियाँ मैं तो खो जाती थी, और मुझे ऐसे लगता था शूटिंग के बीच में जाके शॉपिंग भी कराऊँ. और खाना, ये जलेबी जहाँ खाने जाते थे, वे पराठे वाली गली, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. दिल्ली 6 आपके दिल में पूरी तरह बस चुकी है क्या? दिल्ली 6 बिल्कुल दिल में. महेश सर, आपने फिल्म का बैकग्राउंड दिल्ली रखा हुआ है पुरानी दिल्ली. हेलो हेलो, ये दिल्ली वाले हैं, इनकी परवरिश हुई थी उन इलाकों में जिनको इन्होंने पर्दे पे कैप्चर किया है. इसलिए वो जो रंग आदमी जो जीता है जब उसको वो पर्दे पे लाता है तो उसकी अदा कुछ और ही होती है. जैसे हमने यहाँ पर जन्नत 2 भी शूट की थी मुला देश में, बहुत काबिल डायरेक्टर, मगर दिल्ली को उस तरह पेश नहीं किया उसने जिस तरह इसने पेश किया है, क्योंकि इसने जिया है. और जब आप किसी चीज़ को महसूस करके शूट करते हैं, आपकी पहली फिल्म वो अब्सट्रैक्टली आपके एक्सपीरियंस है इतना नहीं होता, मगर फिर भी उसमें एक आपकी एक तड़प आ जाती है, आपकी एक महक आ जाती है. जैसे आप अपनी जब माँ के लहजे को आप रिपीट करते हैं तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो इसने कुछ किया. मैं थिएटर वगैरह करता था, तो हम लोग काफ़ी प्लेज वगैरह करने के लिए आया करते थे पुराने दिल्ली, नामसी के पीछे
एमजी के अंदर भी, तो मैं उन गलियों में बहुत घूमा हूँ। जो मेरे बहुत सारे थिएटर के जो दोस्त थे वो उन्हीं पुराने दरियागंज में रहा करते थे और गोलचा के सामने, तो मतलब वो सब मेरा मतलब मेरे हाथों से टेस्टेड है सब कुछ। वो एरिया उन गलियों में बहुत घूमा, बहुत लोग हम इंडिया पाकिस्तान का मैच साथ में देखते थे और समझ में नहीं आता कि छक्के पे शोर मचाए या बोल्ड होने पर, क्योंकि इतना गर्म माहौल रहता था वहाँ। तो ऐसे माहौल में मैंने काफ़ी सारा समय बताया। और पुरानी दिल्ली की खास बात यह है कि वहाँ का खाना बहुत कमाल का है, तो ये एक नुआंस था जो मुझे लगता था कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो देव जो वरुण ने प्ले किया है, वो लोगों को फूड बॉक्स पर लेके जाता है। वो लोगों को वहाँ का खाना, वहाँ का जायका अपने तरीके से, अपने नज़रिए से वो दुनिया दिखाता है जो उसने खुद जी है। तो वो जब वो लोगों से मिलता है तो वो लोगों की शक्लों में मिठाइयाँ ढूंढ लेता है। जो पहली बार एक लड़की से मिलता है जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है पर मीठी है, इसलिए उसको बोलता है मेरी जलेबी। तो ये आया तो ऐसे है, पर इसका जो मेजर आर्क है फिल्म में, वो आपको फिल्म देख के पता लगेगा कि भैया जिंदगी से कितनी है कि दर्द की रात गुजारने के बाद जो सुबह होती है उसकी मिठास। मेरा भट्ट साहब से भी सवाल है, आपसे भी सवाल है। खाने पीने की तो बात होगी, दिल्ली के लाइफ स्टाइल की बात होगी, लेकिन दिल्ली में गालिब है, गालिब की दुनिया भी है। क्या जलेबी के रस में गालिब की भी कुछ स्वर्ग उदय दी जाए? ये कदम उस स्पेस में जाती ही नहीं, वो दिल्ली को दर्शाने की कोशिश नहीं की हमने। वो सिर्फ इस गली की बात है जहाँ पर हमारा किरदार रहता है, जो नेताजी की हवेली के नाम से जानी जाती है, मोहल्ले की बात है। मगर वो जो अंदाज, वो सवाल जिससे गालिब की रूह जूझी थी, हमारे फिल्म भी उस सवालों से जूझती है। प्यार की बारीकियों को पूरी तरह बहुत हिम्मत से आग मिलाती है, और प्यार की जो इंटरप्रिटेशन हिंदी फिल्मों की है ना, कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, क्योंकि वो परियों की कहानी के परे है प्यार, क्योंकि इंसान की जो सोच है उसके वजह से शादी की परंपरा का जन्म हुआ। मगर इश्क जो है, प्यार जो है, वो तो कुदरत की देन है। इस मुल्क में जो है आपने राधा कृष्ण के प्रेम को जो है मंदिरों में बिठाया हुआ है, उसको कौन सा एक लीगल सैंक्शन दिया? प्यार जो है वो कुदरत की देन है। कहीं पर हमारी जो फिल्म है वो गालिब के जो सवाल है, उनकी जो तन्हाई है, वो दिल का जो दर्द है, वो एक धड़कन जो है जीवन की, वो सारे जो इंसान जिस फसलों से घिरा हुआ है जन्म से, वो सारे रंग है। और खास बात इसकी ये है कि नौजवान एक ईडियम है, नौजवान ईडियम में बहुत सम्मान किया इसने नौजवान पीढ़ी का, और कहा है कि ये आज के दौर के जो दर्शक है वो ये गहरी बात समझेंगे। मार्केटिंग, हमारी मार्केटिंग की एक जरूरत थी कि हम ऐसा एक इमेज पहला सर्कुलेट करें जिससे हल्ला मच जाए। और देखिए आज जो हमारी मीटिंग में आप वही सवाल पूछ रही हैं, तो हमारा तो काम हो गया, हो गया हमारा जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो 18 साल की नौजवान बच्ची है, बंगाल से आई है, वो भी इंस्टा पे घूमती, अंग्रेजी जाती भी, हिंदी भी बड़ी मुश्किल से बोलती है, कहती है पापा पापा आपका पोस्टर देखा, और फिर उसने शर्मा दी। तूने देख लिया? बोला हाँ इंस्टा पे देख लिया। बोले इंस्टा पे वहाँ देख लिया, मतलब ये हो गया वायरल। तो ये कहीं पर ये जब से जो हमारा एक कम्युनिकेशन का जो ईडियम बदला है, रिटन वर्ड से इमेजेस में हम गए हैं, तो इमेजेस का जो असर होता है वो ज़्यादा असर करता है, वो ज़्यादा छूता है। और कहीं पर फिल्म का जो मिजाज है वो कुछ ऐसा है। मगर ये बात जैसे सुबह की जब किरण होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही उसमें अजीब रंग होते हैं, फिर वो सर चढ़ता है जब सूरज, और फिर ढलता है, फिर रात गहरी होती है,
फिर आज और गहरी होती है, फिर लगता कि सुबह होगी ही नहीं, और फिर चांद भी छुप जाता है और तारे भी गायब हो जाते हैं, और फिर कहीं जाके अंदर से कुछ रोशनी निकलती है जो किसी सूरज की मोहताज नहीं होती। फिर सूरज हो गए ना हो गए, अंदर में एक मरतबा आदमी की रोशनी लग जाए। हमारी प्रेम कहानी कुछ ऐसी है, गालिब का एहसास है। बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन दिल्ली का कल्चर मिक्स्ड है, इसमें क्या चीज आपने अलग की जो पहले नहीं थी? भाई देखिए, ये दिल्ली वाले हमारे ये हैं, ये जो हैं, अभी आज सुबह हम गए थे इनके इलाके में महावीर महावीर पार्क, वहां पर इनके बिरादरी के सारे लोग मिले थे, उस इलाके मोहल्ले के लोग थे। हमने कहा कि आप ही का लड़का जो है हम ले गए उठा के, उसे हमने पहले बनवाई है, तो उसका रंग आप देखें। ये जो है दिल्ली की हमारी जो है आवाज ये है, और हमारी मुंबई की लड़की ये है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली में बहुत डेफिनेटली मिक्स कल्चर है, लेकिन दिल्ली का लड़का या लड़की अगर किसी दूसरी जगहों पे जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, तो कोई देखकर ही बताया था दिल्ली से, तो मतलब एक मिजाज तो है ही ना, चाहे कितने भी कल्चर हो, चाहे कितना भी यहाँ पे लोग अलग अलग जगहों से आए। मुझे मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक्चर हिट होने वाली है। थैंक यू।